नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज। राहुल गांधी की ताजपोशी पर उठे सवाल, कांग्रेसी नेता ने कहा ये चुनाव इलेक्शन नहीं सिलेक्शन। नई दिल्ली, कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए राहुल गांधी की ताजपोशी की तैयारियां चल रही हैं। हालांकि ज्यादातर कांग्रेसी उन्हें अध्यक्ष मानकर ही चलते हैं, आधिकारिक घोषणा सिर्फ खानापूर्ति ही है। लेकिन इस रस्म अदायगी से पहले पार्टी के अंदर विरोध के स्वर फूटने लगे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के सचिव शहजाद पूनावाला ने राहुल की ताजपोशी पर आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने यहां तक कहा कि पार्टी में एक परिवार में से एक ही व्यक्ति को पद मिलना चाहिए। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, मुझे जानकारी मिली है कि पार्टी प्रतिनिधि अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए वोट देने जा रहे हैं। यह तो पहले से ही तय है, फिर वोट डालने का पाखंड क्यों? उन्होंने कहा कि सच बोलने पर उन पर हमले किए जाएंगे, लेकिन इसके लिए वे तैयार हैं। शहजाद पूनावाला के इस बयान के बाद कांग्रेस में हलचल मच गई है। पार्टी सूत्रों की माने तो कई नेताओं ने पूनावाला की बात का समर्थन किया है, लेकिन सामने आने की हिम्मत किसी में नहीं है। इससे पहले भी कई नेता राहुल गांधी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा चुके हैं। बता दें कि अगस्त में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा था कि राहुल को जिम्मेदारी देने का समय आ गया है। पार्टी में भी काफी समय से उनको अध्यक्ष बनाए जाने की मांग चल रही थी। पिछले महीने तो कई राज्यों की कांग्रेस इकाइयों ने प्रस्ताव भेजकर बकायदा राहुल की ताजपोशी की मांग उठाई थी। इनमें मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस इकाई ने पहल की थी। धन्यवाद।